Cheers! क्या हो गया मैम, कहाँ खोया भाई? कुछ नहीं यार, अब रात बहुत हो गई है ना, तुम लोग सब एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, मुझे आई थिंक बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट गाइस, बाय। अरे ऐसे कैसे यार, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी बीवी वेट कर रही है रूम में। बीवी? बीवी तो चिल्ड आउट है यार, बीवी जैसी नहीं, वो एकदम एकदम फ्रेंड जैसी है, बेस्ट फ्रेंड जैसी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आपके सोने का टाइम हो गया है और इस वक्त तक तो आप घर में सो जाते हैं ना, हम आपके लिए चादर बिछा देते हैं। रचना बेटा, हमें तुमसे एक बात कहनी थी। जी? देखो बेटा, तुम बिल्कुल भी मत डरो, हमने तुम्हें मयंक से बात करते हुए सुना। बेटा जो भी होगा अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। भाई साहब अब बड़े ही भाग्यशाली हैं, वरना आजकल के जमाने के बच्चे ऐसे कहां मिलते हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बर्थडे बॉय के लिए हमारे तरफ से स्पेशल केक। कम ऑन, बर्न द कैंडल्स। कैसा जॉब है, इंडक्शन से इतने बिजी हो, जब जॉब शुरू हो जाएगी तब क्या हाल होगा। एनीवे मैं डेकोरेशन शुरू करती हूँ। मैं कहाँ रह गया,
फोन भी नहीं उठा रहा है। 15 मिनट बचे। चाबी, रूम की चाबी, अब मेरे सॉरी, ये चाबी, चाबी, मिल गई चाबी। तुम चलो दोस्तों, गुड नाइट, सो जाओ, आराम से रेस्ट करो, टेक केयर, बाय बाय। अरे चली जा अंदर, इधर जाती है उधर जाती है, जिधर जाना चाहिए वहां नहीं जाती। अरे अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक, जाओ। यार हो जाता है कभी कभी, चाबी है चली जाएगी। ये आराम से भाई। गलत रूम में आ गए फ्रेंड्स, हम लोग गलत रूम में आ गए, चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन मयंक यार, ये देखने तो पागल हो गया क्या? हॉटचिस कौन है यार? अरे तू पागल हो गया क्या? शराब कोई हॉटचिस निकले यहाँ से? अरे देखने तो दे। अरे प्लीज प्लीज, अरे आके फाड़ के क्या, देखने तो दे। अरे चलो यहाँ जाते हो कि नहीं? क्या मैं अभी होटल की सिक्योरिटी को फोन करूँ? कैसी होटल है, सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। सिक्योरिटी मैडम, आप प्लीज फोन मत कीजिएगा, हम लोग जा रहे हैं। अरे गाइस चलो बाहर चलो। अरे व्हाट आर बीइंग बॉयज फॉर, क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ हो गुंजन? बनारस में। सब चले गए या नहीं? बाहर आऊं? अरे ऑफिस से सब चले गए, तभी तो आया हूँ, जल्दी आओ। गुंजन, तुम यहाँ? I mean, how come? अभी बताती हूँ। अरे गुंजन, क्या कर रही हो? अरे मार क्यों रही हो? मारूं तुम्हें। गुंजन, तुम्हारी बर्थडे विश, स्टूपिड इडियट नॉनसेंस, इतना मान रोमांटिक, क्या क्या प्लान बनाकर आई थी मैं, हाँ? कि मेरा हस्बैंड बेचारा अकेला है मुंबई में, मुझे मिस कर रहा होगा, देवदास बना बैठा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो रंगरलियां मनाई जा रही है, ऑलरेडी बैचलर्स नाइट आउट हो रही है। इतनी दुख से यहाँ मुझे मारने आए हो, जानती हो अगर आज के दिन तुम मुझे मारोगी तो पूरे साल मुझे तुम्हारी मार खानी पड़ेगी। तुम कहाँ लेके जा रही हो? ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने? इस वक्त तुम पागल हो गई हो क्या? 3:30 बज रहे हैं। आई नो मिस्टर मयंकर, लेकिन तुम्हें पता है जब हम सब फ्रेंड्स बैठ के रात को पढ़ाई करते थे ना, एंड रात के 3 बजे हमारे पेट में चूहे कूदते थे, तब हम यहीं आते थे ब्रेकफास्ट करने।
बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जगह हमेशा खुली रहती है, तो मैं वहीं ले जा रही हूँ। अरे इतनी रात को किसको फोन कर रही? अब ब्रेकफास्ट करते करते मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी मिल लो, तुम्हें पता है उन्होंने ये सरप्राइज सेट करने में मेरी कितनी मदद की है, एंड तुम उनके सब कुछ चौपट कर दिया। अरे हाय जस, हाँ बैंक के साथ ही हूँ, एंड वो भी तुम्हारे घर के बिल्कुल पास, और कहा वही हमारे ओल्ड ब्रेकफास्ट जॉइंट पर, तुम लोग भी आओ ना, मैं इनसे मिलवाना चाहती हूँ। हम लोग बस 5 मिनट में पहुंच रहे, तुम लोग भी पहुंचो, बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर देना। ओके बाय भैया, बस यही स्टॉप कर दो। आओ ब्रेकफास्ट करेंगे। काका कशा आहे? उड़कला ना माला? काय गुंजन बेटा, कशी आहेस? तुला नाही ओळखायचं तर मग कुणाला ओळखायचं? कुठे होती इतके दिवस? आज काय खाणार, इडली की वडा? काका दोन्ही पण। दोन्ही पण? क्या बात है। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीजू। थैंक यू सो मच। कहा तो तुम लोग, अरे तुम लोग तो मेरे असली ससुराल हो, तुम लोग भी गायब हो। ये कौन, यांना ओळखलं नाही मी। काका हा मयंक आहे, गुंजनचा नवरा, बनारस मध्ये राहतो। गुंजनचा नवरा? काका मयंकनी मला फसवलं। फसवलं? गुंजन तुम इतनी अच्छी मराठी बोलते, मुझे पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, मयंक मुंबई से हूँ मैं, मराठी तो आनी चाहिए। तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया, अगली बार जब तुम्हें गाली देनी होगी ना मुझे, तो मैं मराठी में दे दूंगी। क्या अजीब लॉजिक है ना हमारा, लोग ब्रेकफास्ट करके दिन शुरू करते हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट करके सोने जा रहे हैं। अरे अरे अरे, सोना नॉट अलाउड, चलो सबके सब गाड़ी में। मयंक को पूरा मुंबई घुमाना है। लेकिन गैस कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया? मैं तुमसे कहा था ना, ये शहर कभी सोता नहीं है और रुकता भी नहीं है। थैंक यू कुंजन, आज मैंने पहली बार मुंबई तुम्हारी आंखों से देखा और ये जाना कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ छोड़कर बनारस में रहना चुना, जिस शहर को इतना प्यार कर, जहां से तुम्हें अपनी एक पहचान, एक पर्सनालिटी मिली, तुम वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। आई लव यू कुंजन।
हाथ नहीं लगाना, पहले भगवान को प्रसाद चढ़ेगा उसके बाद खाना पेट भरकर। बेटा चलो पहले दूध खत्म करो, स्कूल जाना ना, देर हो जाएगी। ठीक है ताई जी। सीमा, गुंजन को देखा क्या? वो आज आ रही है ना मंदिर? कहाँ दीदी, अब हमारी बहू के पास पूजा के लिए वक्त ही कहाँ है। हमने कितना समझाया कि साथ चलो, लेकिन नहीं, उसने कहा कि कॉलेज में उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो तो सुबह सुबह चली गई है। क्या, इतनी सुबह सुबह चली गई? लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपको नहीं बताया उसने? कमाल हो क्या। खैर दीदी, हमने तो कहना ही छोड़ दिया है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, अब किसी को क्या कहें, भला हम होते कौन है किसी को रोकने टोकने वाले। हाँ, अरे क्या हो गया भाई सुबह सुबह, अब किसने क्या पाप कर डाला? अरे भाग्यवान, कम से कम आज के दिन तो थोड़ा प्रसन्न रहो। हा? अरे हम तो प्रसन्न ही हैं। अब दीदी पूछ रही थी गुंजन के बारे में, तो हम उन्हें बता रहे थे कि वो कॉलेज चली गई है सुबह सुबह। हम ही बावले थे जो हमने पंडित जी से कह दिया कि सारी पूजा हमारी बहू करेगी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम ही कर लेंगे। अरे जब हम हैं तो फिर क्या गम है? और वैसे भी तुम्हारा लाडला कहाँ है यहाँ पर? फिर गुंजन करे या हम करे, क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम, हम कहाँ किसी को कुछ कह रहे हैं। अच्छा ये पकड़िए प्रसाद, हम बटवा लेकर आते हैं अपना। हलवा, आप भाभी, भैया का फोन आया? नहीं। अच्छा तुमने मयंक को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी कि नहीं? अरे नहीं ना भाभी, सुबह से उसका फोन लगा रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा। वैसे आज उसके इंटरव्यू का फाइनल राउंड है, शायद बिजी होगा, तैयारी में लगा होगा। हम भी उसे बाद में फोन करके उसे बधाई देंगे। भगवान करे आज का दिन उसके लिए बहुत सफल रहे। हाँ बिल्कुल। गुंजन? हाँ गुंजन बोलो। हे रचना, हाय, कैसा है डली, एकदम हरा भरा है ना? अरे गुंजन अभी तो पहुंचे, तुम बताओ तुम कहाँ हो, पहुंच गई? मत पूछो रचना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी ना फ्लाइट मिस हो गई मुझसे। मिस हो गई? अच्छा अच्छा, अब क्लास ही तो मिस हुई है ना, कोई बात नहीं। क्या हुआ बेटा? वो पापा, कॉलेज की बात हो रही थी और कुछ नहीं। और गुंजन इस बार कुछ पंगा मत करना, और हाँ टाइम से घर वापस पहुंच जाना, तुम तो सीमा चाची को जानती हो ना। हाँ हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने वापस से टिकट्स बुक कर ली हैं। सुनो तुम अपने काम पे ध्यान दो और पूरा जोर लगा देना। तुम्हें पता है मुझे तो अभी से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और वाह वाही। ऑल द बेस्ट रचना, आई लव यू, बाय। बाय गुंजन, थैंक यू सो मच। और हाँ संभल के अपना ध्यान रखना। हाँ भैया, कितना पैसा हुआ? 150 रुपए पर मीटर तो 100 दिखा रहा है। अरे साहब आपके पास सामान भी तो इतना है, 3-3 नग है। अरे 3-3 नग है तो क्या हुआ, जितना वाजिब है उतना लो, हमारा बनारस में तो पैसे थोड़े लेते हैं। अरे साहब ये दिल्ली है, आपका बनारस नहीं है। तो दिल्ली है तो क्या हुआ? पापा जाने दीजिए ना, बड़े शहर में सब कुछ बढ़ चढ़ कर होता है, दाम भी। आप दे दीजिए ना पैसे। बेटा ये दाम नहीं, इसे लूट कहते हैं। लो फिर रखो, महल बना लेना। ऐसा ऑटो चलाते हैं, क्या करते हैं, आ गया ना बेटा पूरा सामान। जी
जी ताई जी, अब तो हम हलवा खा सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। चलिए हम देखते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, तुम लोग आओ अंदर। नहीं नहीं आंटी जी, ये लीजिए फॉर्म, रचना ने लीव के लिए अप्लाई किया है ना, प्रोफेसर सर ने कहा है इसे भर के दे देने। अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने तकलीफ क्यों की, गुंजन के हाथ भिजवा देते। हमने भी वही सोचा था आंटी जी, पर गुंजन की फ्रेंड्स ने बोला कि वो आज कॉलेज आई ही नहीं है। क्या गुंजन कॉलेज नहीं गई? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, गुंजन कॉलेज ही गई है, शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं दी होगी। दरअसल आज उसका वर्कशॉप है जो बहुत देर तक चलेगा। वर्कशॉप? वर्कशॉप? कौन सा वर्कशॉप आंटी जी, हम तो उसकी क्लास से होते हुए आ रहे हैं, वो आज आई ही नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी हम रचना गर्ग, हम भी डिजाइनर हैं। डिजाइनर? लगता तो नहीं। एनीवेज, यू आर लेट बाय 15 मिनट्स फॉर द फैशन हंट शो, सॉरी। जी ऐसे कैसे? बाय द वे मैं नो अपने क्या डिजाइन किया है, मेहंदी डिजाइन। ये क्या बदतमीजी है बेटा? पापा जी, हम मेहंदी भी डिजाइन करते हैं और अगर मौका मिला तो दिखा सकते हैं कि और क्या क्या डिजाइन करते हैं। आप हमें फॉर्म दीजिए, नहीं तो 15 मिनट की जगह 30 मिनट लेट हो जाएंगे। प्लीज सॉरी, रूल इज अ रूल, एंड वैसे भी लेट कमर्स को एंट्री नहीं मिलती। देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, जगह ढूंढने में थोड़ी सी देर हो गई और हम बनारस से खास से इसी के लिए आए हैं। वाह, डिजाइनर होना हो, जोश तो बहुत है तुम में। वैसे मुझे नहीं पता था कि बनारस में डिजाइनर्स भी होते हैं। माफ कीजिएगा, किसी की हौसला अफजाई करनी हो तो कोई आपसे सीखे, और फिर आप दोनों कोई जज तो है नहीं जो हमारी बेटी की डिजाइनिंग के हुनर पर फैसले करने लग गए। जी नहीं सर, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन पहली नजर में पता चल जाता कौन डिजाइनर है और कौन नहीं। ऑल सेट? यस सर। मान लीजिए आपके पास इन ब्रांड्स के पोर्टफोलियोज हैं, हाउ विल यू मैनेज देम, आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? लेट मी स्टार्ट विद फ्यू इलस्ट्रेशन सर। ये देखिए सर, क्या आप बता सकते हैं क्या लिखा है? सक्सेस इज नोवेयर। सक्सेस इज नोवेयर, और आप? या सक्सेस इज नोवेयर। और सर इफ यू डोंट माइंड, आप इसे कैसे रीड करेंगे? सक्सेस इज नाउ हियर, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। चीज वही है लेकिन नजरिया
और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर गोल और करेक्ट एटीट्यूड की जरूरत है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। आई मस्ट से कीप इट अप मैन। कुंजन, ये सब तुम्हारे आने से मुझ में आया पॉजिटिव एटीट्यूड का नतीजा है। फाइन देन, हम लोग थोड़ी देर बाद बाकी के सेशंस के लिए मिलेंगे। ओके सर। आप मिस्टर मयंक, ग्रेट जॉब। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद यू। थैंक यू वेरी मच सर। क्या अब मैं जा सकता हूँ? ऐसे कैसे मैं, अभी तो और भी सेशंस बाकी हैं। थक तेरी। I'm sorry कुंजन, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। भैया, एयरपोर्ट चलोगे? बैठ जाइए मैडम। Thanks for coming early. Bye. Love you. Take care. Hey darling, चले क्या साथ साथ? ये सब क्या है भैया, कौन है ये लोग? क्या करें मैडम, आजकल जमाना ही खराब हो गया है। अकेली लड़की देखी नहीं, सभी लोग छेड़ना शुरू कर देते हैं। Idiots. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।